नगरीय पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें नगरीय निकाय वोटों की मतगणना आज मुंगावली के मॉडल स्कूल में संपन्न हुई। मुंगावली के 15 वार्डों में चुनाव हुए थे, जहां भाजपा 6 सीट हासिल की, तो वहीं कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। 4 सीटों पर निर्दलियों ने जीत हासिल की। जीते हुए प्रत्याशी द्वारा नगर में विजयी जुलूस निकाला जा रहा है। वार्ड 13 से अपनी जीत पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल ने जनता को धन्यवाद। आप कौन से वार्ड से थे? मैं वार्ड क्रमांक 83 भाजपा प्रत्याशी, मेरी पत्नी जीतू ग्वाल थी। कितने मत प्राप्त हुए आपको? 763 कुल मतदाता ने मत डाला था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को, मेरी पत्नी को 520 मत मिले हैं, कांग्रेस को 221 मत मिले हैं, 14 मत आम आदमी पार्टी को मिले हैं और 6 मत जफर पठान उनको मिले हैं और 2 मत नोटा को मिले। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे? मैं अपनी जीत के लिए इसलिए आश्वस्त था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में वो केंद्र में सरकार थी। इनकी अनेकों अनेक हितकारी लाभकारी योजनाएं थीं जिनको लेकर मैं बाढ़ में गया था और बाढ़वासियों ने उन योजनाओं के माध्यम से मुझे आज मत दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैं प्रत्याशी की तरफ से आज वार्ड क्रमांक 13 के सभी मतदाताओं को मैं चरण वंदन और बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अगर भाजपा का बहुमत आता है तो क्या आप अध्यक्ष की दावेदारी ठोकेंगे? भारतीय जनता पार्टी का अगर मत आता है तो भारतीय जनता पार्टी में जो खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।